जो सच दिखाएगा या सरकार के खिलाफ जाएगा उसका क्या हाल हो सकता है? वर्तमान सरकारें हैं वो धर्म, राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति का इस्तेमाल करके सत्ता पे काबिज हुई हैं। जिस देश में अगर पत्रकार स्वतंत्र नहीं है, पत्रकार निडर नहीं है, पत्रकार आज़ाद नहीं है, तो उस लोकतंत्र की क्या स्थिति होगी, वहाँ की जनता की क्या स्थिति होगी? मोदी सरकार ये कह रही है कि हम इसे ग्रेट इंडिया बनाएंगे, कहाँ से बनेगा ये ग्रेट इंडिया? मिर्ज़ापुर से एक खबर सामने आई थी, पवन जायसवाल ने जो स्टोरी की थी कि एक स्कूल में नून रोटी यानी नमक रोटी खाने की खबर उन्होंने वायरल की थी, जिसको लेकर काफ़ी बड़ा विवाद हुआ, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग चला ये मुद्दा, और कई सारे अधिकारियों का जो है तबादला भी हुआ उसमें। लेकिन अब सरकार ने उस पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई की है, ये हवाला देते हुए कि कहीं ना कहीं उस पत्रकार ने जो स्टोरी कवर की थी वो गलत है और उसके खिलाफ FIR कर दी गई है। इस मामले को लेकर मैं दिल्ली के पत्रकारों से जानने की कोशिश करूँगा कि वो इस पूरे मामले को यानी पत्रकारिता की आज़ादी को, फ्रीडम को किस तरीके से देखते हैं। नेशन टाइम्स से मेरे साथ तेजेंद्र सिंह हैं जी, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, इसमें गलत कुछ नहीं है, इसमें सरकार जो है वो अपने तानाशाही रवैये के साथ सामने आ रही है और वो जाहिर तौर पर ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो पवन जायसवाल जैसे जो पत्रकार हैं वो सावधान हो जाएं कि उनके लिए भी जेल का दरवाज़ा खुला है, अगर सरकार से पंगा लेंगे तो उनके लिए भी क्या हो सकता है और कहाँ वो जा सकते हैं ये सोच लें और देख लें। तो ये एक डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो जो संविधान हमें आर्टिकल 19 जो अधिकार देता है उसका गला दबाने की कोशिश की जा रही है। आप ये एक महज एक पत्रकारिता का नहीं है, ये आर्टिकल 19 जो है उसका गला दबाने की कोशिश की जा रही है। अब आप जान लीजिए कि आप भी हो सकते हैं, कल तेजिंदर सिंह भी हो सकता है और भी कोई हो सकता है। तो ये सरकार की एक मंशा है कि जो सच दिखाएगा या सरकार के खिलाफ जाएगा उसका क्या हाल हो सकता है, मैं इसे इस तरह देखता हूँ। लेकिन हाँ, ये सब ये नहीं है कि हम इस सरकार के इस रवैये को देख कर डर जाएँ, अपने अंदर वो चीज़ छोड़ दें, नहीं, हमें लड़ता रहना है और संविधान से बड़ा इस देश में कोई नहीं है। अगर आप संविधान के अनुपालन करते हैं तो संविधान ये हमें अधिकार देता है, ये हक देता है कि हम उस गलत चीज़ की आवाज़ को हमेशा बुलंद करते रहें, चाहे किसी भी माध्यम से हो। अच्छा, कई सारे पत्रकार हैं बड़े जो मिनिस्ट्री मीडिया में काम करते हैं, उनके साथ ये समस्या आई, जिसमें वाजपेयी हैं, पुण्यप्रसन्न वाजपेयी हैं, अभिषार शर्मा हैं और रविश कुमार की भी कई तरह की इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि उनको धमकी दी जा रही है, गाली गलौज दी जा रही है। अब वो स्थिति एक ऐसे पत्रकार की आ गई है जो रीजनल एरिया पर जाकर, ज़मीनी स्तर पर जाकर रिपोर्ट करता है, तो क्या सरकार को वाकई सवाल करने से डर लगता है? देखिए, जितने भी फेमस चेहरे हैं, ठीक है, मेन स्ट्रीम मीडिया के, चाहे तो आज वो किसी अच्छे चैनल में नहीं है, ना उनके पास, वो अपना अपना पोर्टल चला रहे हैं और उनके पास पब्लिक सपोर्ट है, ठीक है, उनके सरकार उनके खिलाफ़ सीधी कार्रवाई नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास पब्लिक सपोर्ट है और उनके बहुत ज़्यादा फॉलोवर भी हैं, ठीक है, तो ऐसे में सरकार का ये कदम उल्टा पड़ सकता है। लेकिन जो छोटे शहरों में आते हैं लोग और उनकी शायद इतनी फैन फॉलोइंग ना हो, इतने उनके सपोर्टर ना हो, उनको टारगेट कर ये ज़रूर दिखाया जा सकता है कि जिला स्तर पर अगर इस तरह कोई हरकत करेगा तो उसको ये एक मतलब डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की। आपसे लेना चाहूँगा उन पत्रकारों के लिए जो आज भी कहीं ना कहीं TV पर चिपके हुए हैं, लगे हुए हैं, अपनी अच्छी जॉब कर रहे हैं, उन्होंने कोई भी इस ना तो स्टोरी को दिखाया है कि पुलिस योगी सरकार ने कार्रवाई की है और ना ही वो दिखाना चाहते हैं इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, चाहे वो अंजना को ले लो, चाहे वो दूसरे जो बड़े चैनल हैं, जी न्यूज़ है, आज तक है, जिनके जहां से मुद्दा क्रिएट हो सकता है, ये मुद्दा जो कार्रवाई हुई है उसको हटा सकती है सरकार, पीछे बैकफुट पर जा सकती है, लेकिन उन्होंने नहीं किया है, ऐसा क्या वजह है? क्या ये कैसे कर देंगे आप, ये बताइए रजा साहब कि उनकी दुकान कहाँ से चल रही है आपको पता है, और चैनल को चलाने वाले वो पत्रकार नहीं है, उनकी नज़रों में वो सरकार है जहाँ से उन्हें मोटा मोटा विज्ञापन मिलता है, अगर आप उसके सपोर्ट में बोलेंगे तो अपनी दुकानदारी बंद कर लेंगे और ये तो हो ही रहा है। चाहे कोई कितने ही अपने मेकअप कर TV फ्रेम मतलब कैमरा फ्रेम कर और TV पर आए, उससे मतलब नहीं है, वो ठीक है थोड़ी देर बकबक करेंगे और चले जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करता है, जो एक रिपोर्टर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर और वो खबर तैयार कर, मैं चाहता हूँ जो चैनल है, अगर असलियत में जो चैनल की रीढ़ है ना, वो एक रिपोर्टर है जो जिला स्तर पर रिपोर्टिंग करता है, ये एंकर नहीं है जो अपना फेस लेकर और टेलीप्रॉम्प्टर पर देखकर सारी चीज़ पढ़कर बस चल गए। लेकिन ठीक है, रीड वो है, उस रीड को अगर आप उसके साथ नहीं खड़े होंगे तो आपकी ये दुकानदारी भी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, TV देखना लोग बंद कर देंगे, और आज हो भी यही रहा है, TV कोई देख नहीं रहा है, सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पर जो बात सच कही जाएगी उसी को लोग देखेंगे और उसी को पसंद करेंगे। तो ये इनकी अगर यही हालात रहेंगे तो ये कुछ ही दिन का इनका काम है, वो चलेगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।
वैभव कुमार हमारे साथ हैं जो दलित न्यूज नेटवर्क चलाते हैं, कैसे देखते हैं पूरे मामले को, पहली प्रतिक्रिया? बहुत ही दुखद घटना है, इस देश में मीडिया का हाल बहुत बदतर है। देखो, पहले तो हमें समझना पड़ेगा संरचना क्या है। एक तो उसको औद्योगिक घराने चलाते हैं, कॉरपोरेट के हाथ में है मीडिया। प्रिंट मीडिया प्रयास भी करता है कि हम स्वतंत्र रूप से काम करें, सरकारों के ऊपर सवाल उठाएं, लेकिन आप देखिए उसको क्या कहा गया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लगाई गई है उसके ऊपर। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मतलब है कि सरकार के खिलाफ वो षड्यंत्र कर रहा है। अब अगर बच्चे नमक से और रोटी से खाना खा रहे हैं और वो दिखा रहा है, तो उसमें क्या गुनाह किया? सरकार की खामियों को एक्सपोज करना किसका काम है? अब जनता को देखना पड़ेगा कि क्या उसने जनता की बात उठाई या नहीं। लेकिन हो ये रहा है कि जो वर्तमान सरकारें हैं वो धर्म, राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति का इस्तेमाल करके सत्ता पे काबिज हुई हैं। अब जो भी इनके खिलाफ बोलेगा, मतलब सरकार मतलब हो गया देश, जबकि हमने समझना पड़ेगा कि स्टेट और गवर्नमेंट में फ़र्क होता है। आप सरकार को कोस सकते हैं, लेकिन आप देशभक्त रह सकते हैं। और सरकार को कोसना, सरकार के कामों में कमियां निकालना एक पत्रकार का काम है। और मैं तो कल रिपोर्ट देख रहा था, वो डीएम उससे पूछ रहे हैं कि भाई आप तो प्रिंट के पत्रकार हो ना, फोटो लेते, आपने वीडियो क्यों बनाई? लेकिन शायद डीएम साहब ये भूल गए हैं, अभी एक डीएम साहब को तो ठीक किया है पूरे बहुजन समाज ने, डीएम साहब ये भूल गए हैं कि जो आजकल अखबार होते हैं वो भी सोशल मीडिया पे, अपने अपने यूट्यूब चैनल पे, अपनी वेबसाइट पे वीडियो रिपोर्ट्स भी बनाते हैं ना? तो ये बड़ी बुरी स्थिति है। एक रोहित सरदना पत्रकार हैं, आप जानते हैं, आज सुबह उनकी ट्वीट पढ़कर आ रहा हूँ, चिंता जता रहे हैं वो इस पूरे प्रकरण के ऊपर। अब आप देखिए कि क्या माहौल आ गया। क्यों नहीं, वो तो दंगल करते हैं ना। हाँ, क्यों नहीं किया दंगल? अब देखिए, जिस व्यवस्था को वो पोषित कर रहे थे, जिस व्यवस्था के वो मुरीद बने हुए थे और जिस व्यवस्था के सामने वो सवाल नहीं उठा पाते थे, आज उस व्यवस्था पे वो सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कल को उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। और अगर यही परिपाटी रही, यही परंपरा रही, तो सरकारें बदलेंगी और ये सारे पत्रकार नपेंगे। अच्छा, देखिए एक बात बताइए, अगर वो पत्रकार ना भी होता, एक आम आदमी होता, क्या एक आम आदमी को प्रशासन की किसी भी काम में खामियां मिले तो क्या वो उसकी वीडियो बना के पूरे देश को नहीं बता सकता क्या? तो ये तो आप नॉर्थ कोरिया वाला हिसाब बता रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया में आपको जय जयकार करनी ही होगी, तो व्यवस्था तो नहीं आई है। या तो घोषित करिए कि इस देश में नहीं है कानून व्यवस्था, संवैधानिक अधिकार नहीं है, और अगर हैं तो फिर ये हरकत नहीं होनी चाहिए कम से कम। पहले तो सिर्फ मोदी जी के लिए ऐसी खबरें आती थी कि सवाल पूछना सही नहीं है, अब लगता है कि एक स्टेट के सीएम के लिए भी सवाल पूछना ठीक नहीं है। मैंने माहौल बदल रहा है। एक स्टेटमेंट सुनकर आ रहा हूँ मैं आज टीवी में, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने कहा मेरे संज्ञान में आया है अभी मामला, अगर ऐसा हुआ है तो गलत है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोगों की भरमार है जो इस तरह की निरंकुशवादी रवैये को गलत मानते हैं, लेकिन क्या करें, उनकी आवाज़ जो है दबी हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया। दी न्यूज़ हिंट से सुशील कुमार मेरे साथ हैं, इनसे मैं प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा कि पत्रकार पर कार्रवाई कैसे देखते हैं इसको। देखिए आखिर की सरकार की तरफ से पूरी तरीके से क्लियर कट है कि अगर आप उसके साथ चल रहे हैं तो आप सुरक्षित हैं, आपको पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, आप पत्रकारिता का पूरे सिद्धांतों का पालन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सरकार के खिलाफ हैं, ठीक है, सरकार की खामियों को दिखा रहे हैं, तो आपको इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इससे पहले के जो हमारे सामने मामले आए हैं, तमाम बड़े बड़े संस्थानों से, पुण्य प्रसून वाजपेयी का मामला हो या फिर अभिसार शर्मा का मामला हो या द वायर के पूर्व पत्रकार रहे प्रशांत कनौजिया का मामला हो, जो भी सरकार को लेकर के आलोचना कर रहा है, जो भी सरकार से सवाल पूछ रहा है, वो एक क्रिटिकल सिचुएशन में है, उसको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चाहे वो NDTV के रवीश कुमार ही क्यों ना हो, उनको भी जो है आए दिन जो है धमकियाँ दी जाती रहती हैं। तो एक ये जो मामला निकल कर आया है अभी मिर्ज़ापुर का, हम ये जो देख रहे हैं, ये इनके सामने और ज़्यादा बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि यहाँ पर तो पत्रकारों के साथ में सरकार का जिस तरह का रवैया है, तो सिर्फ नौकरी तक मामला सीमित है कि नौकरी उन्होंने छोड़ दी या उनको निकाल दिया गया, लेकिन जो ग्रामीण लेवल पर, जो जिला स्तर पर पत्रकारिता कर रहे हैं, उनके सामने बहुत ज़्यादा चैलेंज है। उनके पास ना ही कोई उनके पास सुरक्षा है, ना ही वो इतने बड़े किसी संस्थान से जुड़े हुए हैं कि उनके साथ में संस्थान उनकी सुरक्षा करने के लिए आए। तो मैं समझता हूँ ये पत्रकारिता का पूरे तरीके से सरकार पर जो है तानाशाही रवैया है सरकार का पत्रकारिता पर। और आज के दौर में जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि सरकार का जो है पूरी तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया,
जिसको गोदी मीडिया भी कहने लगे हैं, वो गुलाम हो गया है, सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा है। तो इसमें तमाम ऐसे मुद्दे हैं, आर्थिक मंदी को लेकर, निजीकरण को लेकर, बेरोजगारी को लेकर के, मॉब लिंचिंग को लेकर के, तमाम ऐसी घटनाएँ हैं। कश्मीर में क्या हो रहा है इस वक्त, कैसे हालात हैं आज भी, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, सिवाय बस इधर उधर की बातें की जा रही हैं, सरकार से सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। कुछ एक दो जो पत्रकार हैं जैसे कि पवन जायसवाल जैसे लोग, जो सरकार और शासन प्रशासन का जो खामियां हैं, जो इनका निकम्मा रवैयापन रवैया है, जो लचीली व्यवस्था है, उसका खुलासा करने की अगर कोशिश करते हैं तो उस पर उनके ऊपर तमाम तरह के जो है केस लगा दिए जाते हैं, तमाम तरह की जो है उन पर धाराएँ या उनको डराने की कोशिश की जाती है। तो ये जो है एक बहुत ही ज़्यादा डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जिस देश में अगर पत्रकार स्वतंत्र नहीं है, पत्रकार निडर नहीं है, पत्रकार आज़ाद नहीं है, तो उस लोकतंत्र की क्या स्थिति होगी, वहाँ की जनता की क्या स्थिति होगी, उनके मौलिक अधिकारों की क्या स्थिति होगी। मैं समझता हूँ कि ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है, हिटलर शाही, तानाशाही इसमें और फिर उस रवैये में जो है कोई भी अंतर नहीं है। तो इस तरह की जो भी चीज़ें आ रही हैं वो पूरी तरीके से सरकार पर ही सवाल खड़े कर रही हैं कि अगर कोई पत्रकार सरकार सिस्टम की जो है अगर वो उसकी जानकारी दे रहा है तो एक तरीके से प्रशासन की वो सहायता कर रहा है। प्रशासन को चाहिए कि वहाँ पर जाके कार्रवाई करें, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उस एक घटना से जो है 100 अधिकारियों के अलर्ट होने चाहिए, सरकार अलर्ट होनी चाहिए कि आखिर शासन में उत्तर प्रदेश में पूरे चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। यूटीवी से मेरे साथ मिलिंद्र गौतम हैं, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को जो हुआ। देखिए जिस तरीके से पत्रकारों का हनन किया जा रहा है, पत्रकारों का हम लोग ये कहते हैं कि चार स्तंभ हैं और एक स्तंभ में पत्रकारिता आती है, उस स्तंभ को तोड़ा जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। आप एक बात बताइए, पहले पूरे भारत की बात आ रही थी, अब एक स्टेट की बात आ गई है, पहले कुछ और लोग कर रहे थे, अब छोटे छोटे लोग भी ये कह रहे हैं कि ये पत्रकारिता सही नहीं है, ये सही नहीं कर रहे हैं, इसमें ये खामियां है, इसमें ये खामियां। उस पत्रकार ने उस डीएम की पोल खोल दी तो उसके 50 पॉइंट्स निकाल दिए कि इसमें ये खामी थी, ये खामी थी, ये खामी थी। इस तरीके से अगर पत्रकारिता होती है, हम खामियां अगर हम सरकार से नहीं पूछ सकते तो पत्रकारिता किस बात की है। हम जनता के मुद्दे हैं, हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता हमसे सवाल करती है, सवाल मोदी जी से नहीं कर सकती, सवाल योगी जी से नहीं कर सकती, सवाल अपने सवालों का जवाब, अपने सवालों को वो हम लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, पेपर प्रिंट के मीडिया के माध्यम से वो लोग वहाँ पर पहुँचाते हैं। अब अगर हम लोगों को ही मारा पीटा जाएगा या पॉइंट्स लगा लगा के हमारे पे केस किए जाएंगे, हमें जेल में बंद किया जाएगा, तो इस भारत का क्या होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मोदी सरकार ये कह रही है कि हम इसे ग्रेट इंडिया बनाएंगे, कहाँ से बनेगा ये ग्रेट इंडिया।